सो ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉल्ट। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ फॉल्ट, तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट में आता है पहला लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जिसे हम एलजी फॉल्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट जिसे हम एल एल फॉल्ट बोलते हैं। तीसरा होता है लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जिसे हम ट्रिपल एलजी फॉल्ट बोलते हैं। चौथा होता है लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट जिसे हम ट्रिपल एल फॉल्ट बोलते हैं। पांचवा होता है लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक, तो ये टोटल चार फॉल्ट हमें देखने हैं। और इसमें से क्या आता है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, हर फॉल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस यही क्वेश्चन एक बनता है फॉल्ट वाले पार्ट से। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। पहला डिटेल में देखते हैं लाइन टू, सर नहीं हुआ है सर, नोट कर लीजिए एक सेकेंड। म्यूट कर लीजिए पहले। फर्स्ट स्लाइड है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन टू लाइन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो मान लीजिए हमारे पास एक जनरेटिंग सोर्स है इसमें से एक लाइन टूट के अगर ग्राउंड पे आ जाती है, ठीक, तो इसे बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये मान लीजिए ए फेज है, यहाँ का वोल्टेज है वी ए, यहाँ का वोल्टेज है वी बी, यहाँ का वोल्टेज है वी सी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक है वो ये है कि अगर ए फेज में हमारा फॉल्ट आ रहा है, इफ फॉल्ट इज ऑकरिंग इन फेज ए देन आई ए नॉट इज इक्वल टू आई ए वन इज इक्वल टू आई ए टू इज इक्वल टू आई ए बाई थ्री। सारी जो सीक्वेंस करंट है वो बराबर होती हैं, कितनी होती हैं, उस फेज के करंट का 1/3 टाइम्स। ठीक, एक चीज ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे रखना है फॉल्ट करंट की वैल्यू को याद। तो ये होती है 3EA, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये है EA, ये है Z1,
ये है जेड टू, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, जेड वन, जेड टू, जेड नॉट क्या है, सीक्वेंस इंपेडेंस, ये आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, या तो एक्स के फॉर्म में दिया गया होगा, आप एक्स ले लीजिए क्योंकि रेजिस्टेंस को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। सो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स नॉट प्लस थ्री एक्स एन, ये हो जाता है फॉल्ट करंट का फॉर्मूला फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यहां पे न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल है वो भी ग्राउंडेड है, जिसका इंपीडेंस है एक्स एन, इसीलिए इसको थ्री एक्स एन से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। इसके बाद हम चलते हैं लाइन टू लाइन, सॉरी लाइन टू लाइन फॉल्ट में, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सिर्फ इन दोनों चीजों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला है सर, सर रुक, हाँ सर, ये बाकी पेज में भी ई ए ही लगेगा। हाँ, ये सीक्वेंस सभी, अगर आप बैलेंस सिस्टम चाहते हो तो सारे वोल्टेजेस बराबर होने चाहिए, तो सब बराबर, इसलिए ये से रिप्रेजेंट, ये आपको दिया गया होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट की। लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट का मतलब है कि दो लाइन आपस में क्या हो गई, शॉर्ट हो गई है, ये दोनों लाइन, दो लाइन मान लीजिए आपस में क्या हो गई है, आपकी शॉर्ट हो गई है। तो यहां से जो आपका मेन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन वो है इसका फॉल्ट करंट। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ईएससी वालों को कराया जाता है इसका डेरिवेशन। सो इसके लिए जो फॉल्ट करंट है वो हमें मिल जाएगा ई ए बाई एक्स वन प्लस एक्स टू अब ऐसा क्यों, एक्स नॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि ग्राउंड फॉल्ट में जो ग्राउंड है वो एब्सेंट है। फॉल्ट में अगर ग्राउंड होता तो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस प्रेजेंट होता। तो यहां पे आप लिखिएगा ग्राउंड इज एब्सेंट, ग्राउंड इज एब्सेंट, सो द जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस इज एब्सेंट। हियर जीरो सीक्वेंस करंट इज ऑल्सो एब्सेंट। हियर जीरो सीक्वेंस करंट इज ऑल्सो एब्सेंट। यहां पे रूट थ्री कर लीजिएगा, रूट थ्री ई ए अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू, सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड फॉल्ट पे चलते हैं हम, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी एल टू एल टू जी। थर्ड है हमारा लाइन टू लाइन, सर अभी तक नोट नहीं हुआ सर, थोड़ा सा एक बार, सर ये रूट थ्री भी साथ में लिखना है, रूट थ्री भी आपको लिखना है ना सर, ये सब ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट है,
सर इसका कैसे आया, ये सब डिराइव नहीं करेगा? ड्राइव कैसे, आपको इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है आपको सिर्फ उतना ही पढ़िए, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मेंस में डिराइव करने के लिए नहीं आएगा ना? ये नहीं आएगा, ये आपको आएगा ही नहीं, ये क्यों आएगा? आपको जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं, वो आएगा जो हमने इससे पहले डिराइव किए हैं सारे ट्रांसमिशन लाइन वाले में। आपको सिर्फ इससे क्वेश्चन बनेगा कि फॉल्ट करंट बताइए, तो फॉल्ट करंट का फॉर्मूला पता है, आप फॉल्ट करंट निकाल सकते हो। चलिए, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब यहां पे मैं शॉर्ट में बनाऊं, अगर ये तीन फेजेस हैं तो दो लाइन आपस में पहले शॉर्ट हो गई, फिर आके जमीन से जुड़ गई या जमीन पे गिर गई। तो इसके लिए जो फॉल्ट की फॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 times ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट। यहाँ पे आई ए नॉट क्या है, जीरो सीक्वेंस करंट, आई ए नॉट आपका है जीरो सीक्वेंस करंट। तो जो फॉल्ट करंट होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, वो होगा आपका 3 times ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट। इसके बाद चलते हैं हम सिमेट्रिकल फॉल्ट में। ये सारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंडर आते हैं, ये जो तीनों फॉल्ट हैं ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंडर आते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये दो जो दोनों नीचे के फॉल्ट हैं ये आते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट में। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के फॉल्ट करंट का फॉर्मूला आपने देख लिया, सॉरी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के, अब देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के। तो फोर्थ लिखिएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट, फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में तीनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाती है, बस इतना ही करना है। यहां पे जो फॉल्ट करंट आ जाती है वो आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई एक्स वन, ना यहाँ पे एक्स टू आएगा ना यहाँ पे एक्स नॉट आएगा। सिमेट्रिकल फॉल्ट में दोनों फॉल्ट आ जाते हैं हमारे, ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं डेरिवेशन आपको करवा देता हूं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस का एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस का एनालिसिस, वो पूछा जाता है तो वो अपन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले लिखिएगा कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मर एनालिसिस, या ऐसा लिखिए एनालिसिस ऑफ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए यहां पे हम चार स्विचेस बना लेंगे, ये है ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस। तो यहां पे चार स्विचेस बना लीजिए, एक स्विच ये हो गया, एक स्विच ये, एक स्विच ये, एक स्विच ये, टोटल चार स्विचेस हमने यहां पे शो कर दिए। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। Thank you.
ठीक, तो यहां पे स्विचेस की नंबरिंग कर देते हैं। इसे मान लेते हैं स्विच वन, दैट इज एस वन। इसे मान लेते हैं स्विच टू। इसे मान लेते हैं स्विच ए। इसे मान लेते हैं स्विच बी। अब यहां से आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि सबसे पहले देखिए एस वन और एस टू को क्या बोलते हैं। एस वन एंड एस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। एस ए एंड एस बी आर कनेक्टेड इन शंट। ठीक, अब यहां पे जो S1 और S2 है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे पहला पॉइंट लिखिएगा कि फॉर स्टार ऑपरेशन या फिर फॉर स्टार कनेक्शन S1 एंड S2 विल ऑपरेट। दूसरा, फॉर डेल्टा कनेक्शन एस ए एंड एस बी विल ऑपरेट। ठीक, तो अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टार स्टार कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी स्टार में है, सेकेंडरी भी स्टार में है, तो क्या केस बनता है। तो स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में देखते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन, तो पहला केस क्या बन सकता है कि प्राइमरी भी स्टार में है, सेकेंडरी भी स्टार में है, लेकिन जो ग्राउंड है वो हमारा ओपन है, जो ग्राउंड है हमारा ओपन। यह है स्विच S1, ये हो जाएगा स्विच S2। क्यों स्विच S1 एंड S2, एस ए और एस बी क्यों नहीं, क्योंकि ये स्टार में कनेक्टेड हैं। और मैंने क्या बताया था, फॉर स्टार कनेक्शन एस वन एंड एस टू विल ऑपरेट, स्विच एस वन और एस टू ऑपरेट करेंगे। मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो कैसा बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस, जो शंट वाले स्विच हैं वो ऑपरेट ही नहीं करेंगे। ठीक, अगर आप ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस को एक्स नॉट लेते हो, क्योंकि ये जीरो सीक्वेंस है, तो यहाँ पे एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये जो आपको स्टार स्टार कनेक्शन दिख रहा है, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा ये। दूसरा केस क्या बन सकता है कि एक स्टार को ओपन छोड़ दीजिए ग्राउंडेड, दूसरे स्टार को ग्राउंडेडली शॉर्ट कर दीजिए। ये हमारा स्विच वन, ये हमारा स्विच टू। तो यहाँ पे क्या केस बन जाएगा, दोनों स्टार है, मतलब स्विच S1 और S2 ऑपरेट कर रहे हैं। स्विच S1 ओपन रहेगा क्योंकि जो ग्राउंड है वो ओपन है, तो स्विच ओपन, स्विच S को हमने ओपन कर दिया, और स्विच S2 को हम शॉर्ट कर देंगे क्योंकि जो सेकेंडरी स्टार है वो ग्राउंडेड है, तो ये शॉर्ट हो गया S1 S2। बताइए सर, ये ऊपर का वाला S1 और S2 ये स्टार कनेक्शन है ना, तो और स्टार कनेक्शन S1 एंड S2 विल ऑपरेट बोला है, तो S1 और S2 जो क्यों ओपन है। ओपन इसलिए है क्योंकि ये ग्राउंड हमारा जो है वो ओपन है, ग्राउंडेड नहीं है। ग्राउंडेड होते तो शॉर्ट रहता। मतलब ग्राउंड कहाँ है ये, तो यहाँ में ग्राउंड है ही नहीं। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है इसीलिए ओपन है, और इन्हीं दोनों को कंसिडर करना है।
जो जो फिगर आपने पहले बनाया एनालिसिस ऑफ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में उस ग्राउंड पर है क्या है जो आप पहले बनाया ना S1 और SA और SBB ये तो स्विच रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो ग्राउंड होगा वो इसमें होगा ना ये ट्रांसफार्मर लगा है आपका ये तो स्विचेस हैं तो रूल क्या बोलता है कि अगर S1 और S2 ऑपरेट कर रहे हैं तो उसे स्टार्ट में ऑपरेट कराइए अगर डेल्टा कनेक्शन है तो SA और SB को ऑपरेट कराइए और SA और SB को ऑपरेट कराने का मतलब है उस फिगर में उसे शो करिए और अगर दोनों ग्राउंडेड हैं तो स्विच क्लोज रहेगा ग्राउंडेड नहीं है तो स्विच ओपन रहेगा जैसे एग्जांपल 3 में देखिए प्राइमरी का स्टार को ग्राउंड कर दीजिए सेकेंडरी के स्टार को ओपन कर दीजिए तो अब बताइए स्विच S1 और S2 तो ऑपरेट करेगा क्योंकि दोनों स्टार है ये हमें पता चल गया अब इसमें से शॉर्टेड कौन सा रहेगा स्विच S1 क्योंकि प्राइमरी ग्राउंड से कनेक्टेड है तो S1 शॉर्टेड रहेगा S2 ओपन रहेगा ये इसका इक्विवेलेंट बनता है ये इसका इक्विवेलेंट और ये इसका इक्विवेलेंट अब बात करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन की सर लताड़ वाला नहीं हुआ आप उसको समझते जाए ना ये तो PDF तो आपको मिल ही जाता है ओके सर अब इसके बाद जो आपको देखना है वो है स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टार डेल्टा कनेक्शन तो पहला हमें क्या बनता है कि अगर स्टार है दूसरा डेल्टा है स्टार को ले लेते हैं हम ग्राउंडेड लेते हैं लेकिन इसे ले लेते हैं पहले ओपन कि स्टार हमारा ग्राउंडेड नहीं है तो कौन कौन से स्विच ऑपरेट करेंगे पहला स्टार है मतलब S1 ऑपरेट करेगा दूसरा डेल्टा है मतलब SB ऑपरेट करेगा ठीक सो S1 और SB बाकी स्विच को शो ही नहीं करना तो हमारा जो SB है वो हमें क्लोज पाथ बना के देता है तो जो डेल्टा है उसे हमेशा शॉर्ट रखिए और जो S1 है वो ओपन रहेगा क्योंकि जो न्यूट्रल है वो आपका ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है और ये है SB तो ये इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा सिमिलरली अगर आपको एक प्राइमरी स्टार में दे दिया उसका जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड कर दिया सेकेंडरी डेल्टा दे दिया तो आप क्या करोगे ये प्राइमरी स्टार है मतलब S1 ऑपरेट करेगा सेकेंडरी डेल्टा है मतलब SB ऑपरेट करेगा सो यहाँ पे हमारा S1 आ जाएगा ये रिएक्टेंस और यहाँ पे जो स्विच है वो आ जाएगा SB अब S1 क्या है स्टार स्टार क्या है ग्राउंडेड तो इसे शॉर्ट कर दीजिए और SB ऑटोमेटिकली शॉर्ट होगा क्योंकि जो डेल्टा कनेक्शन है वो क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है ठीक तो यहाँ पे आई थिंक दो ही केस बन रहे हैं तीसरा चलते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन पे नोट कर लीजिए इसको फिर डेल्टा स्टार कनेक्शन पे चलते हैं हाँ दोनों केस दोनों शॉर्ट कर सकते हो आप दोनों शॉर्ट कर सकते हो ये तो कुछ भी कंडीशन आपको एग्जाम में दी जा सकती है ना आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ पे अगर दोनों शॉर्ट दिए गए हैं तो दोनों स्विचेस को आप शॉर्ट कर दीजिए अब तीसरा जो केस बनता है वो है डेल्टा स्टार का डेल्टा स्टार कनेक्शन तो पहला को मान लीजिए अगर डेल्टा है दूसरा आपका स्टार है लेकिन ओपन है तो अगर पहला डेल्टा है तो कौन सा स्विच ऑपरेट करेगा पहला डेल्टा है तो हमारा SA ऑपरेट करेगा दूसरा स्टार है तो S2 ऑपरेट करेगा सो SA हमारा यहाँ पे था
ये रिएक्टेंस और ये है S2, यही इसी पोजीशन पे थे दोनों स्विचेस। सो ऐसे डेल्टा है हमेशा क्लोज पाथ बनाएगा, सो ऐसे हमारा शॉर्ट हो गया। S2 ओपन रहेगा क्योंकि ये ग्राउंड जो है इसका वो ओपन है। दूसरा डेल्टा स्टार शॉर्टेड है इसका, तो डेल्टा पहला है मतलब एस ए स्विच ऑपरेट करेगा, दूसरा मतलब एस टू स्विच ऑपरेट करेगा। सो एस ए रिएक्टेंस एस टू, तो अब यहां पे दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, एस ए भी शॉर्ट हो जाएगा एस टू भी शॉर्ट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट हो जाएगा? क्योंकि जो एस ए है प्राइमरी है वो डेल्टा कनेक्शन बना रही है, और जो सेकेंडरी है वो स्टार है बट ग्राउंडेड है, तो S2 भी हमारा शॉर्ट हो गया। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। लास्ट केस बनता है डेल्टा डेल्टा का, तो आप बताइए मुझे डेल्टा डेल्टा में कौन से स्विच ऑपरेट करेंगे। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, पहला डेल्टा है दूसरा डेल्टा, इसमें तीसरा कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। एस ए स्विच ऑपरेट करेगा, एस बी स्विच ऑपरेट करेगा। सो ये है एस ए स्विच, ये ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, यहां है एस बी स्विच, तो ये है एस बी। सो क्या दोनों शॉर्ट हो जाएंगे? यस, दोनों शॉर्ट रहेंगे क्योंकि डेल्टा हमेशा क्लोज पाथ बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये था आपका फॉल्ट के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन। अभी आपका क्या बचा हुआ है? पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। क्वेश्चंस करने हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आप तो खुद से भी कर सकते हो, एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन अगर मेरे पास अभी प्रेजेंट हो तो। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया ऐसा, एन अल्टरनेटर इज given of 125 MVA, 15.5 kV, 3 phase star, 50 hertz, has X1 is equal to 0.1 per unit, X2 is equal to 0.05 per unit, X0 आता है X0 is equal to 0.01 per unit और Xn आता है 0.01 per unit. So find the magnitude of fault current for line to ground fault. Find the magnitude of fault current for LG fault. तो IF मुझे पर यूनिट में बताइए कितना आ रहा है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 3 ई ए
अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स नॉट प्लस थ्री एक्स एन, सब कुछ वैल्यू आपको दी गई है। ई ए का मतलब क्या होता है, पर यूनिट में वन रेटेड वैल्यू। सो थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.01 प्लस 3 इंटू 0.01। तो जब आप इसे पर यूनिट में कन्वर्ट करोगे 15.789 पर यूनिट आपको आ जाएगा। ये है फॉल्ट करंट इन पर यूनिट। सर ये कैसे वन हुआ? पर यूनिट वैल्यू है ना, पर यूनिट में जो ईएमएफ है वो रेटेड वैल्यू अगर आप लेते हो तो वन होगा। पर यूनिट में सब कुछ दिया गया है, देखिए ध्यान से। पर यूनिट में ईएमएफ और करंट हमेशा रेटेड हो जाता है। रूट थ्री होगा लाइन टू ग्राउंड में, सॉरी लाइन टू लाइन में। फॉर्मूला चेक करिए, फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन आता है इसमें। अब आपका एक टॉपिक और बचा है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ठीक, जो मैक्सिमम पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन वाला पार्ट हो गया, पावर जनरेशन वाला पार्ट हो गया, जो हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन वाला पार्ट है, दैट इज लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर, ये सारी चीजें हमने अच्छे से करी है। और यहाँ पे सिर्फ हमने फॉर्मूला बेस्ड देखा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। आप देखिए ये ए का क्वेश्चन है, ठीक। कोरोना को तो हम कई बार कर चुके हैं, उसमें क्या करना है। जब हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे तब भी हम कोरोना के बारे में देख चुके हैं पूरा डिटेल में। कोरोना कैसे होता है आपको तो पता ही है, मैंने प्रोसेस भी बताया है जब हमने टाइप ऑफ कंडक्टर देखा था। तो अगर एक बार और करना है तो एक बार मैं और करवा दूंगा। सो कोरोना के फॉर्मूले भी करने हैं क्या? कोरोना का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी पे जो बेस्ड है वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसी में सारे टर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉल्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से पहले मैं ये जो कोरोना है वो उसका फॉर्मूला मैं करवा दूंगा आपको, ठीक। तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं अभी सेंड कर देता हूं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका पावर सिस्टम के बाद? सर फिलहाल तो कुछ नहीं है ना, अभी तो अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। 9:30 ओके ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के साथ, और कोरोना का जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वो भी मैं करवा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।